नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीआईटी एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना और साइंस की इस कक्षा में बच्चों के लिए, क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं आज का विषय, जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट टू। इसी का भाग एक हम पहले भी कर चुके हैं, जो कि हमारे YouTube चैनल NCERT ऑफिशियल पर मौजूद है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, जब चाहें, जब मर्जी, जहां मर्जी। और उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम पार्ट टू लेकर आए हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इस वक्त आप हमें देख रहे हैं PME विद्या चैनल नंबर 10 पर। और क्लास टेंथ के सभी स्टूडेंट्स साइंस के इस कार्यक्रम को हमारे साथ देख सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 8800440559। जल्दी से हमें फ़ोन कीजिए, 2:30 बजे तक हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो हम इस साइंस के चैप्टर को समझाएंगे। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में वो आज क्या समझाने वाले हैं, वो हम उनसे थोड़ी देर में पूछेंगे। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें अपने सवाल, तो ईमेल आईडी होगा dth.class10@cit.nic.in। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के मेहमान से। हमारे साथ हैं श्री सुशील कुमार जी, स्वागत है सर आपका। यस मैम, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आज स्वस्थ होंगे। जी सर, गुड आफ्टरनून टू यू टू सर। सर हैं PGT इन बायोलॉजी फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो चलिए, आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम सर से पूछेंगे कि सर, हमने भाग एक में क्या सीखा था, एक बार थोड़ा सा क्या हमारे दर्शकों को, बच्चों को समझाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैम, हमारे बच्चों, आपने और हमने पिछले टाइम पर डिस्कस किया था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बाहरी वातावरण में जो बदलाव होते हैं, उन बदलावों को ग्रहण करने की शक्ति होती है। जो भी बदलाव होते हैं बाहर, उन्हें हम स्टिमुलस कहते हैं, और वो स्टिमुलस के रिस्पांस में हम और आप एक्शन करते हैं। सो अगर देखा जाए कि मेरे आपके शरीर में या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में, एज वेल एज इन प्लांट आल्सो, सो इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोगों ने बात की थी तो बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर दो सिस्टम पाए जाते हैं, एक नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा इंडोक्राइन सिस्टम होता है। और नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम मिलके शरीर के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं। नर्वस सिस्टम क्वाइट फास्टर होता है और इंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा सा स्लोवर होता है। इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, दैट इज न्यूरॉन। और न्यूरॉन के जो होती है, ये हमारे शरीर में सबसे लंबी सेल होती है, कई जगह ये लगभग 1 मीटर के आसपास की लंबाई की भी होती है। हमने अपने बच्चों के साथ डिस्कस किया था कि हमारे शरीर में बहुत सारे रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो साउंड हुई, लाइट हुआ, टेम्परेचर हुआ, या हमें अच्छा अच्छा टेस्ट सेंस करने के लिए, इसके अलावा स्मेल सेंस करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अर्थात वो फोनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर और गस्टेटरी रिसेप्टर की कैटेगरी में आते हैं। न्यूरॉन्स की बात की थी और अलग अलग भाग बताए थे कि न्यूरॉन्स में एक्जॉन, साइटोन एंड डेंड्राइट पाए जाते हैं, और ये न्यूरॉन्स जाके मसल पर एंड करते हैं, वहां पर जाके मिलते हैं और वहां पर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बनाते हैं, और न्यूरॉन्स जो सिग्नल मसल तक ले जाते हैं और फिर मसल की मदद से, मांसपेशियों की मदद से, जो हमारे शरीर में मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, उनकी मदद से काम होते हैं। बच्चों, हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब हम लोग एकदम चले जा रहे होते हैं तो एकदम कभी हमारा पैर फिसल जाता है, या हमारे पैर में कांटे लगते हैं, या कुछ कोई गर्म ऑब्जेक्ट से जब हम छू जाते हैं तब हमारे शरीर में एक सडन रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन के आधार पर हम अपने उस पार्ट को, बॉडी के पार्ट को, पैर या हाथ, जो भी चीज टच में आया है उसे हटा लेते हैं। इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। आपके साथ ये भी बात हुई थी बच्चों की, रिफ्लेक्स एक्शन में एक प्रकार का जो पाथ फॉलोड होता है, पाथ जो होता है वो एक रिफ्लेक्स आर्क की शक्ल में होता है। अर्थात जो इम्पल्स ट्रेवल करते हैं रिसेप्टर ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक, और फिर ब्रेन के द्वारा जो आदेश मिलता है
तो ये जो पूरी जो घटना होती है ये एक आर्क के रूप में दर्शाई जाती है, इसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, और रिफ्लेक्स आर्क रिफ्लेक्स एक्शन में देखी जाती है, और रिफ्लेक्स एक्शन की मदद से हम और आप लोग अपना बचाव करने में सफल होते हैं। जब कभी कोई गर्म ऑब्जेक्ट या कोई ठंडा ऑब्जेक्ट या किसी भी प्रकार की हम गड्ढे या ऐसी स्थिति में गिरते की स्थिति में होते हैं। हम लोगों ने जाते जाते बात किया था कि मेरे आपके शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है जिसे हम ब्रेन कहते हैं। यह हमारे शरीर का कंट्रोलिंग सेंटर होता है, अर्थात मेरे आपके शरीर में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज इसी ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती हैं। और हम कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर से अगर इसकी तुलना करें, जैसे आप एक कंप्यूटर में देखते हैं कि एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसे हम CPU कहते हैं, और जब हम कोई भी कमांड देते हैं कंप्यूटर में तो CPU उसे एनालाइज करके और फिर उसके आधार पर हमें एक्शन देखने को मिलती है। ठीक इसी प्रकार मेरे आपके शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन पाया जाता है जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसे हम ब्रेन कहते हैं, और आज हम इसी ब्रेन को अच्छे से समझेंगे, आपको ब्रेन के अलग अलग भाग बताएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा भाग ब्रेन का किस प्रकार की एक्शन को करने के लिए उत्तरदायी है। अगर हम कहें कि हमारा आपका ब्रेन कहाँ होता है, तो हमारा आपका ब्रेन सबसे अपर मोस्ट पार्ट अर्थात हेड रीजन में सिचुएटेड होता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण चूंकि ऑर्गन है हमारे शरीर का, इसलिए इसकी सुरक्षा में पूरी तरह से इसको बाहर से हार्ड कवरिंग के रूप में जो हड्डियां होती हैं, जो बोन्स होती हैं, उसे प्रोटेक्ट करती हैं। आप देख पा रहे होंगे अपने टीवी स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर, ब्रेन एक प्रकार का देख पा रहे होंगे संवाद वॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये ब्रेन हमारे सबसे अपर मोस्ट पार्ट अर्थात हेड रीजन में पाया जाता है, और हमारे शरीर में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ये ऑल एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय ब्रेन। सो वी कैन से दैट ब्रेन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन अवर बॉडी। तो चलिए हम लोग बात करें ब्रेन के कौन कौन से भाग होते हैं और फिर इसके बाद और अच्छे से समझने की कोशिश करें। आप अलग अलग डायग्राम के मदद से जो स्लाइड में देखने को मिल रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे कि किसी ब्रेन के सबसे आगे वाले भाग को फोर ब्रेन के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे मेरे ये आप देख रहे होंगे माथे के आसपास से लेके पीछे की तरफ कुछ भाग फैला रहता है, उसे हम फोर ब्रेन कहते हैं। इसके बाद सबसे पीछे की तरफ नीचे की तरफ जो ब्रेन होता है, ब्रेन का जो भाग होता है उसे हाइंड ब्रेन कहते हैं, और दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है उसे हम मिड ब्रेन कहते हैं। तो अगर हम फोर ब्रेन की बात करें अर्थात सबसे आगे पाए जाने वाले ब्रेन के भाग की, तो फोर ब्रेन में मेरे प्यारे बच्चों इसमें सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है। जितनी भी हमारी आपकी इंटेलिजेंस क्वेशन से संबंधित एक्टिविटीज हैं, जितनी भी सोचने वाली एक्टिविटी हैं, जितनी भी वॉलेंट्री एक्शन हैं, वो सारी की सारी एक्शन फोर ब्रेन के अधीन होती हैं, फोर ब्रेन उसे कंट्रोल करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि द फोर ब्रेन प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस सेंस ऑर्गन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस such type of the sense organ like photoreceptor, usually example is the eye, phonoreceptor it is the ear, as well as olfactory receptor it is the nose, and gustatory receptor it is the tongue. So these are receptors give the sense to the or the we can say that the various sense are collected with the help of the sense organ or receptor, and these sense organ with the help of sense organ the various sense are sent to the brain and brain analyze all of those sense. So humans sense are placed at the highest level in the animal chain, that is why
आवर ब्रेन इज मोस्ट एडवांस इन ऑल ऑफ द मैमल. हमारे जस्ट पीछे अगर देखा जाए तो कुछ हद तक थोड़ी सी सिमिलरिटी जो मिलती है वो चिंपैंजी से मिलती है. उसके बाद फिर तो ये हम कह सकते हैं कि हम लोग सबसे इंटेलिजेंट हैं. हम लोगों के अंदर सोचने समझने की बहुत ही जबरदस्त शक्ति है और इसके पीछे ब्रेन है. ब्रेन में जो हमने आपको अभी अभी बताया कि जो सबसे महत्वपूर्ण फोर ब्रेन में जो भाग होता है डेट इज द सेरिब्रम, ये सबसे बड़ा भाग होता है और इस भाग की मदद से हम कई सारे ब्रेन के फंक्शन कहते हैं, जैसे सोचना, समझना. और अगर हम सेरिब्रम की बात करें तो आप इसमें भी अगर हम सेक्शन कट करके देखें तो इसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स और अदर सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर पाई जाती हैं. सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होती हैं बच्चों, ये बहुत ज्यादा रिंकल्ड होती हैं एंड मेक्स द ब्रेन वेरी इफिशियंट. सो आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज द रीजन वेयर द द ब्रेन इज हाईली रिंकल्ड एंड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स आगे चल के अगेन फोर डिवीजन में और चार लोब में बटा रहता है. सबसे पहली लोब कहलाती है फ्रंटल लोब और इसके द्वारा अब जो स्पीच हुआ या रीजनिंग स्किल हुई आपकी या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हुई, प्लानिंग बनाने वाली गतिविधियां हुई, मूवमेंट एज वेल एज लव हेट और ये सारे इमोशन आर कंट्रोल्ड बाय द फ्रंटल लोब ऑफ द सेरिब्रम. दूसरी जो लोब होती है बच्चों वो पैराइटल लोब होती है. सो हम कह सकते हैं कि इस लोब की मदद से हम ओरिएंटेशन को पहचान सकते हैं एज वेल एज हम जो स्टिमुलस होता है एनी चेंज इन द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो जो स्टिमुलस है उसको भी हम कहीं ना कहीं से पहचान कर उसके अगेंस्ट एक्शन करने में हमारा जो पैराइटल लोब ब्रेन को मदद करता है. तीसरा प्रकार का जो लोब है दैट इज नोन एज ऑसिपिटल लोब एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजुअल प्रोसेसिंग. जो भी हम चीजें देखते हैं वो सारे सेंस हमारी फोटो रिसेप्टर अर्थात आई से होते हुए और हमारी आई की सबसे इनरमोस्ट लेयर होती रेटिना और रेटिना पर रॉड्स एंड कॉन्स पाए जाते हैं दी ज्यादा फोटो रिसेप्टर्स एंड वो फोटो रिसेप्टर की मदद से ऑसिपिटल लोब में सेंस पहुंचता है और वहां पर विजुअल प्रोसेसिंग की जाती है. फोर्थ लोब जो सेरिब्रम की होती है बच्चों वो टेम्पोरल लोब कहलाती है एंड दिस इज एसोसिएटेड विद द मेमोरी स्पीच परसेप्शन एंड जो हम और आप लोग बोलते हैं तो उस ऑडिटरी का जो जो आवाज का जो स्टिमुलस है उसको पहचानने में ये हमारा टेम्पोरल लोब मदद करता है. तो बच्चों सेरिब्रम सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है फोर ब्रेन का और पूरे ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है फोर ब्रेन. सो सेरिब्रम को अगर हम देखें तो ये जैसे आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ एक मॉडल है ब्रेन का, तो सेरिब्रम इज डिवाइडेड इंटू टू हाफ बाई ए डीप फरो. आपको दिखाई दे रहा होगा सेरिब्रम के बीच में एक गहरी खांच है और ये डीप फरो में एक भाग कहलाता है लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरा कहलाता है राइट हेमिस्फीयर. और दोनों जो लोब्स होती हैं इनके द्वारा अलग अलग ढंग से ब्रेन को काम करने में मदद मिलती है. और एक स्ट्रक्चर होती है कॉर्पस कैलोसम जो कि दोनों हेमिस्फीयर को अर्थात लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम करती है. तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि कॉर्पस कैलोसम इज द स्ट्रक्चर विच कंट्रोल एज वेल एज विच ज्वाइन द बोथ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर. सो एज यू विल बी एबल टू सी इन द स्लाइड आल्सो. सेकेंड स्ट्रक्चर जो ब्रेन में बहुत महत्वपूर्ण होती है दैट इज नोन एज मिड ब्रेन. सो मिड ब्रेन एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों को जोड़ने का काम करती, ब्रिज के रूप में काम करती है. और इससे जो
सिग्नल मिलते हैं हाइंड ब्रेन से और फोर ब्रेन से, सो यूजुअली द मिड ब्रेन इज उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है. मिड ब्रेन इज एसोसिएटेड विद मोटर कंट्रोल, विजन, हियरिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन, एज वेल एज हम और आप लोग कितने अलर्ट रहते हैं इसके लिए भी ये जिम्मेवार है. सो आप देख पा रहे होंगे आपके साथ स्लाइड में मिड ब्रेन रिलेटिवली स्मॉलर होता है फोर ब्रेन से, लेकिन ये फोर ब्रेन से जो भी एक प्रकार का ब्रिज की तरह काम करता है और सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में. तीसरा जो स्ट्रक्चर है ब्रेन में, दैट इज नोन एज हाइंड ब्रेन. जैसा कि नाम ही है हाइंड ब्रेन, मतलब सबसे पीछे की तरफ ब्रेन की ये स्ट्रक्चर होती है. और हाइंड ब्रेन में अगर हम देखें तो इसमें तीन भाग होते हैं. पहला भाग बच्चों सेरिबेलम कहलाता है. मैं बाद में दोबारा बता रहा हूं आपको, सेरिबेलम. हम लोगों ने अभी सेरिब्रम की बात की थी, दोनों में स्पेलिंग में डिफरेंस है. सेरिबेलम एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कोऑर्डिनेट करती है मस्कुलर एक्टिविटीज को और मेंटेन करती है पोस्चर और बैलेंस हमारी बॉडी का बनाने में मदद करती है. तो सेरिबेलम ही है वो जो मुझे और आपको जिस पोस्चर में हम बैठ रहे हैं या फिर हमारे आपको चलते समय हमारा कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से हो, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, इसमें मदद करती है. सेकेंड स्ट्रक्चर जो हाइंड ब्रेन का है, दैट इज नोन एज पॉन्स. सो ये पॉन्स जो होते हैं ये एक प्रकार से एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोगेटा जो स्ट्रक्चर होती है ब्रेन में, इनको जोड़ने का काम करती हैं और एक प्रकार से रिले सेंटर की तरह काम करती हैं और डिफरेंट जो भाग हैं ब्रेन के उनके साथ ये एक प्रकार से जोड़ने का काम करते हैं पॉन्स हमारे. तीसरा भाग और अंतिम भाग जो हाइंड ब्रेन का होता है, दैट इज नोन एज मेडुला ऑब्लोगेटा. मेडुला ऑब्लोगेटा बहुत छोटी स्ट्रक्चर है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और ये ब्रेन के लोवेस्ट रीजन में पाई जाती है. अगर हम कहें कि जो भी हमारे ब्रेन की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जो ऑटोनोमिक फंक्शन कहलाती है, जैसे हार्ट बीट, अब मेरा आपका हृदय लगातार धड़कता रहता है तो उसको जो हार्ट बीट है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे मेडुला ऑब्लोगेटा ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ब्रीदिंग रेट, कितने बार हम लोग सांस लें, इसके अलावा डाइजेशन, सो जो ऑटोनोमिक एक्टिविटी होती है उनको ये कंट्रोल करता है और ये एक प्रकार से ये प्राइमरी रोल अदा करता है इन कनेक्टिंग द स्पाइनल कॉर्ड, पॉन्स एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये तीन भाग ब्रेन के जोड़ने में ये मदद करता है. अब बच्चों आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट ये स्ट्रक्चर है तो इसका हमारे शरीर में किस प्रकार से प्रोटेक्शन किया गया है. तो इसके लिए हमारे शरीर में एक बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से इसको हमारे हेड रीजन में प्रोटेक्टेड किया गया है और इसमें टोटल 8 क्रेनियल बोन्स मिलके एक हार्ड कवर बनाती हैं, एक प्रकार का खोल बनाती हैं जिसे हम क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स कहते हैं. तो ब्रेन बॉक्स के अंदर ये ब्रेन सिचुएटेड रहता है. पूरा जो ब्रेन है, जैसा अभी हमने आपसे बात की, इसके बाहर थिन एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है जिन्हें हम मेनिंजीज कहते हैं और ये मेनिंजीज इनको ब्रेन के बाहर हैं तो ये प्रोटेक्ट करने में मदद करती हैं और ब्रेन के जो सेरिब्रम में रखा रहता है मेनिंजीज के बाहर एक प्रकार का सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड भरा रहता है जो ब्रेन को जर्क से बचाता है, झटकों से बचाता है, किसी प्रकार की फिजिकल इंजरी से बचाता है, एक प्रकार से कुशन प्रदान करता है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है. तो हम कह सकते हैं कि ये वाटरी फ्लूड है जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड, ये ब्रेन को कहीं ना कहीं से फिक्सन, जर्क और डेसिकेशन से बचाने में मदद करता है. अब अगर हम देखें अगर ब्रेन को तो ये ब्रेन
अगर हम पूरे अपनी बॉडी में देखें तो हमारे शरीर में जो ब्रेन होता है और उसके साथ जुड़ा हुआ जो स्पाइनल कॉर्ड्स होती हैं, तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके बनाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण रोल सेरेब्रम का है, और जिसके द्वारा हम रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, इमोशन, स्पीच, मेमोरी, विजुअल प्रोसेसिंग, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ऑडिटरी एज वेल एज टेस्ट स्टिमुलाई को हम परसीव करते हैं और उसके अनुसार फिर एक्शन करते हैं। सेरिबेलम बताया था आपको बच्चों, ये एक ऐसा भाग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत, ब्रेन का भाग है, ये रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट करता है बॉडी मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस को। और तीसरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज पोन्स, सो पोन्स ये मदद करते हैं सिग्नल को रिले करने में हाइंड ब्रेन से फोर ब्रेन तक। और मेडुला ऑब्लॉगेटा बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, ये बहुत सारी इन्वॉलेंट्री और ऑटोनोमिक एक्टिविटीज होती हैं जिन पे मेरा आपका वैसे कंट्रोल नहीं है विल पावर के अधीन, लेकिन हमारा ब्रेन इन्हें कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल मैकेनिज्म। सो लाइक वॉमिटिंग, स्नीजिंग, यॉनिंग, हार्ट बीट, ब्रीदिंग और ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, ये सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने में मेडुला ऑब्लॉगेटा मदद करता है, एज वेल एज ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करना है, हार्ट बीट को कंट्रोल करना है। और मेडुला ऑब्लॉगेटा कंटिन्यूज एट द स्पाइनल कॉर्ड विच रन्स थ्रू द वर्टेब्रल कॉलम एंड इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन। सो बच्चों हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन पहले ही आपसे डिस्कस कर ली है, बहुत सारी ऐसी एक्शन होती हैं जो मुझे और आपको, अगर हमारे शरीर में रिफ्लेक्स एक्शन ना हो तो हम और आप शायद इंजर्ड हो सकते थे, लेकिन हमारे शरीर में इस प्रकार की स्पेशल मैकेनिज्म है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती है। तो अब सवाल उठा होगा कि हाउ डज द नर्वस सिस्टम कॉज एक्शन। हमने आपको बच्चों बताया था पिछले टाइम पर और आज इस चीज को आगे बढ़ा रहे कि जब बाहर कोई भी चेंज होता है तो उसे हम स्टिमुलस कहते हैं, और व्हेन ए नर्व इम्पल्स रीचेज द मसल, सो जो स्टिमुलस जब हमारी नर्व सेल तक पहुंचता है किसी भी ढंग से, तो वो एक प्रकार का इम्पल्स जनरेट होता है नर्व सेल में, और नर्व इम्पल्स रीचेज द मसल, सो नर्व के द्वारा वो इम्पल्स को एक तरंग के रूप में मसल तक पहुंचता है, और द मसल फाइबर मस्ट मूव, द मसल सेल विल मूव बाई चेंजिंग देयर शेप सो दैट दे शॉर्टन। हम और आप लोग जानते हैं कि मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की एक प्रॉपर्टी होती है, अर्थात मसल अपने साइज को बढ़ा सकती है घटा सकती है, तो जब नर्व इम्पल्स पहुंचता है मसल तक तो फिर मसल अपने साइज को बदलकर एक्शन करता है। तो मसल सेल में विशेषकर स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जो कि अपने शेप को और अरेंजमेंट को बदलती हैं, और जैसे भी सिग्नल मिलता है नर्वस सिस्टम से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में, तो मसल सेल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जो भी उन्हें सिग्नल मिला तो फिर मसल सेल अपना काम करती हैं, और इस प्रकार से जो स्पेशल प्रोटीन है जो मसल्स में कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है उनकी मदद से मसल सेल काम करती हैं, और उसके लिए सिग्नल और आदेश कहीं ना कहीं से नर्वस सिस्टम से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो भी काम होता है नर्वस सिस्टम के द्वारा वो मसल के द्वारा करवा लिया जाता है। तो ये इस प्रकार से ये हमारे नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज होती हैं। बच्चों आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और उनमें भी आपने कुछ अलग प्रकार की घटनाएं देखी होंगी, जैसे कि अगर आपने कभी छुई मुई को छू दिया हो तो आपने देखा होगा कि छुई मुई की पत्तियां तुरंत नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाती हैं। तो आपके मन में ये बात आई होगी सदैव कि क्या आखिर ऐसी कौन सी घटना हो रही है प्लांट्स में जो छुई मुई की पत्तियां मुरझा गई, अर्थात टच मी प्लांट की पत्तियां मुरझा गई। क्या आपने कभी कोई प्लांट को खिड़की के पास रख दिया हो तो आपने देखा होगा वो प्लांट धीरे धीरे उस तरफ अपनी ग्रोथ को करने लगता है जिस तरफ से लाइट आ रही है। या आपने कोई बेल को देखा होगा, या अपने घर में अगर खीरे या कद्दू या फिर आपने करेले या फिर मटर के अगर पौधे को लगाया हो तो
आपने देखा होगा कि जो मटर का पौधा है वो एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर की मदद से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। सो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं टेंड्रिल, और ये टेंड्रिल जो बच्चे होता है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है टच को। सो जब टेंड्रिल के कॉन्टेक्ट में एनी सपोर्ट आता है तो टेंड्रिल जहां पर कॉन्टेक्ट होता है ऑब्जेक्ट से उस तरफ तेजी से नहीं उसमें ग्रोथ होती है, बल्कि जो भाग टेंड्रिल का उस ऑब्जेक्ट से दूर है जो कॉन्टेक्ट में है तो वहां पर ज्यादा ग्रोथ होगी। तो इसकी वजह से टेंड्रिल में चूंकि एक प्रकार से जिस जगह वो जुड़ा हुआ है किसी ऑब्जेक्ट से वहां पर ग्रोथ कम हो रही और उससे अभी ज्यादा ग्रोथ होगी, तो इसकी वजह से टेंड्रिल किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक प्रकार से लिपट जाता है, और जिसको हम कह सकते हैं कि टेंड्रिल स्टार्ट टू सर्किल अराउंड ऑब्जेक्ट एंड दस किलिंग टू इट। सो देर आर सो मेनी प्लांट्स एंड यू विल बी एबल टू सी सच टाइप ऑफ दी स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इन मेनी प्लांट्स एंड यू विल बी वेल अंडरस्टैंड दीज स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ दी स्लाइड ऑल्सो। सो चूंकि हम लोग प्लांट्स की मूवमेंट की बच्चों बात कर रहे हैं, तो बेसिकली प्लांट्स में दो प्रकार की मूवमेंट होती है, एक प्रकार की मूवमेंट कहलाती है ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरे प्रकार की मूवमेंट कहलाती है बच्चों नास्टिक मूवमेंट। आपने ऐसी कुछ घटनाएं देखी होंगी सीड जर्मिनेशन वाली, या फिर फूल किस प्रकार से खिलते हैं फ्लावर बर्ड से। तो जो पहले प्रकार की घटना होती जिसे हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, इसमें जो प्लांट का जो पार्ट होता है ये मूवमेंट ऑफ द प्लांट होता है टुवर्ड द स्टिमुलस, जिस तरफ से उसको स्टिमुलस मिला है इसे हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे आपने इस प्रकार की बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, अगर जैसे आपने देखा होगा टेंड्रिल किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट या किसी सपोर्ट से निपटते हुए चलता है, या गिलोय का पौधा आपने देखा होगा स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर से आगे बढ़ता है। सो ये थिग्मोट्रोपिन हुआ, ऐसी पानी के रिस्पॉन्स में अगर ग्रोथ हो रूट पानी की तरफ मूव करें तो ये हाइड्रोट्रोपिन हुआ, ऐसी ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में अगर प्लांट की मूवमेंट हो रूट ग्रेविटी की तरफ जाए और शूट या स्टेम ग्रेविटी के आगे जाए तो जियोट्रोपिन हुआ, और अगर केमिकल के रिस्पॉन्स में अगर कोई मूवमेंट हो तो वो कीमोट्रोपिन हुआ, और अगर लाइट के रिस्पॉन्स में अगर आप फ्लावर का किसी भी प्लांट का कोई भाग मुड़ जाए तो वो फोटोट्रोपिन हुआ, और ऐसे ही नास्टिक मूवमेंट होती है। तो ये कुछ प्रकार की अलग अलग मूवमेंट है जो वन बाई वन में बताने की कोशिश करूंगा। ऐसी मूवमेंट जिसमें कि प्लांट लाइट की तरफ मुड़ जाता है, जैसे खिड़की से दूर आप कोई गमला रख दें तो वो खिड़की की तरफ जिस तरफ से लाइट आ रही उस तरफ की अगर वो मुड़ जाए तो इस प्रकार की मूवमेंट को फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे या फोटोट्रॉपिज्म। और विशेषकर देखा जाता है कि जो शूट होता है स्टेम और लीफ ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, अर्थात जिस तरफ से लाइट गिर रही है उस तरफ ये मुड़ते हैं, उस तरफ ये ग्रोथ करते हैं, और जो रूट होती है वो नीचे की तरफ जाती है अवे फ्रॉम द लाइट, तो रूट को हम कह सकते हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ऐसे ही अगर हम ग्रेविटी के रिस्पॉन्स के आधार पर हम प्लांट की मूवमेंट को कहें तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने दिया गया है कि अगर हम एक गमले को इस प्रकार से हम हॉरिजॉन्टल रखें तो हम देखेंगे कि जो शूट है अर्थात जो लीफ और स्टेम है वो ग्रेविटी चूंकि नीचे की तरफ होता है तो उससे अवे ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देता है, अर्थात अगर हम ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में कहेंगे तो शूट एंड और स्टेम और लीफ ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, विशेषकर हम कह सकते हैं शूट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, और जो रूट है वो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में आ रही है, सो रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड शूट्स आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। सो मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। सिमिलरली सर हमारे पास आखिरी का एक मिनट है, ये एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और जो आप जानकारी दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छी है, पर क्योंकि समय नहीं है हमारे पास तो क्या इसे खत्म हो गया जी। बस मैम ऐसे ही वाटर के रिस्पॉन्स में आप देख पा रहे होंगे बच्चों, हम सीड डाल देते हैं तो सीड जर्मिनेट होते हैं और रेडिकल से रूट बनती है और वाटर की तरफ वो मूव करते हैं और शूट ऊपर की तरफ, तो ये हाइड्रोट्रॉपिक हुआ। और ऐसी मूवमेंट जिसमें प्लांट के पार्ट केमिकल के रिस्पॉन्स में मूव करते हैं इसे हम केमिकल के रिस्पॉन्स में मूवमेंट अर्थात
इमोट्रोपिन में कहते हैं, जैसे पॉलन ट्यूब सदैव ओव्यूल की तरफ जो एक केमिकल के रिस्पॉन्स पे जाती है, जो मूवमेंट होती है उसे कीमोट्रोपिन में कहते हैं। और सबसे लास्ट में बच्चों, जो नास्टिक मूवमेंट होती है प्लांट में, ये नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस के अगेंस्ट, और इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद प्लांट। द मूवमेंट कैन बी ड्यू टू चेंज इन टर्गर। सो यू हैव सीन दैट व्हेन यू टच द मिमोसा प्यूटिका और दैट इज नोन एज टच मी नॉट प्लांट। सो आपने देखा होगा ड्रॉपिंग ऑफ द लीव्स अकर्स, सो इट अकर्स ड्यू टू द चेंज इन टर्गर प्रेशर ड्यू टू व्हिच ड्रॉपिंग ऑफ द लीव। ओके, तो हम लोग इट इज ऑल अबाउट द प्लांट मूवमेंट, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट हार्मोन एज वेल एज एनिमल हार्मोन। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में इतना कुछ बताने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद। हम सभी अपने दर्शकों का भी करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को देखने के लिए। अब समय हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो कि है अंग्रेजी का, और जिस टेक्स्ट पर बात होगी वो होगा द ब्लैक एरोप्लेन। स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर, कीप ऑन वॉचिंग पीएम ई विद्या चैनल्स। थैंक यू, नमस्कार।